सर क्या कुछ कहना चाहिए कि मानवाधिकार प्रोग्राम में है, आपको सम्मानित किया गया है? जी, तो क्या विचार अपने व्यक्त करेंगे? बिल्कुल प्रोग्रेसिव जो अभी आज ह्यूमन राइट्स का जो इनका फाउंडेशन है, राकेश भाई पांडे और मुकेश भाई पांडे ह्यूमन राइट्स के जरिए जो अवार्ड देते हैं और साथ में वो टीच भी करते हैं, कुछ बताते भी हैं कि ह्यूमन राइट्स कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ में, उसका हमारे अधिकार को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब भी इस तरह से अवार्ड मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है और हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है समाज के लिए और हम अच्छा और काम करें। तो ये जो मुझे अवार्ड दिया गया है ये इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल के लिए दिया गया है मुझे, कि हम लोग फाइन आर्ट्स के जरिए म्यूज़िक, डांस, फैशन ये सब प्रमोट करते हैं, तो इस सिलसिले में मुझे अवार्ड दिया गया है। तो मैं राकेश पांडे और मुकेश भाई पांडे का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं थैंक यू। क्या कहना चाहिए आज के फंक्शन के बारे में बात करें? पहले तो सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मैं श्रीधाम अयोध्या से आया हुआ हूँ, सदगुरु दयानिधि की शरण नाम है मेरा। और ये जो कार्यक्रम है ह्यूमन राइट्स का, जिसके लिए सारा विश्व लगा हुआ है, पहला अच्छा एक ह्यूमन बनना, अगर एक ह्यूमन अच्छा हो गया तो उसके राइट्स भी मिल जाते हैं उसको। लेकिन जो बहुत अच्छा कार्यक्रम ये आज अवार्ड शो का है, और उमर खान जी जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, इनके कहने पे और हमारे बहुत प्रिय मित्र हमारे विजयपाल जी, उनके कहने पे आया और अद्भुत कार्यक्रम है ये। ऐसा कार्यक्रम जैसा ऐसा लग रहा है देख करके जैसे पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है फिर से गुलजार हो गई है यहाँ पे, जिसमें दिलीप सेन जी और अली भाई और ऐसे ऐसे मौजूद हैं शख्स जिन्हें हम लोगों ने सदैव पर्दों पे देखा है, तो पहले पर्दे पे देखते देखते आज सामना हुआ है। बहुत अच्छा है और बहुत बहुत ठाकुर जी का इन लोगों को आशीर्वाद है, खूब आगे। नहीं, आज का इवेंट जो है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, उसका ही जो राकेश जी हैं और मुकेश जी हैं तो पिछले 14 वर्षों से समाज में ह्यूमन राइट्स के, मानवाधिकार के क्या क्या अधिकार हैं या किन बातों के लिए हमें काम करना चाहिए, इसकी ओर समाज के आज बहुत सारे फिल्मी इंडस्ट्री के लोग थे, सामाजिक लोग थे, राजनीतिक लोग भी थे और पत्रकार लोग भी थे। उन सबको बीच में हमारे क्या राइट्स हैं और समाज में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों की ओर हम सबको, जहाँ मैं पड़ोस में रहता हूँ वहाँ पर क्या उन अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, तो उनको जागरूक करने के लिए ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम आज पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इसीलिए हमारी जो ह्यूमन्स मानवाधिकार आयोग की ओर से जो क्या क्या हमारे को करना चाहिए, इन सब बातों के आज यहाँ पर सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। तो उसके लिए समाज को जागरूक कैसे किया जाए, इसको समाज में हमें छोटी छोटी बातों का कैसे ध्यान रखें, अच्छे लोगों को कैसे आगे आना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को इन कामों के लिए कैसे आगे आना चाहिए, ये इस बात को दर्शाता है जो आज ये कार्यक्रम हुआ है। और सबको यहाँ पर मंगल पांडे एक पुरस्कार से सम्मानित भी उन लोगों को किया गया है जो समाज में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स हो सकते हैं, चाहे सामाजिक लोग हो सकते हैं, धार्मिक लोग हो सकते हैं। ऐसे सब लोगों को आज जो समाज में काम कर रहे हैं उनको सम्मानित भी किया गया। राकेश जी के बारे में क्या कहना चाहिए? राकेश जी के बारे में, अच्छा, मैं बनारस से आया हूँ, मैं डॉक्टर आजाद सिंह गौतम, वाराणसी का पूर्व जिला अध्यक्ष, मोदी जब गए थे तो मैं बनारस जिला अध्यक्ष था। जहाँ तक राकेश जी की बात है, राकेश जी हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे फाउंडर हैं, जो न्यू जैसे कही जाती है वो न्यू है। वो राकेश जी और उनके बड़े भाई, छोटे भाई मुकेश जी, ये दोनों उसके फाउंडर हैं और आज इन्हीं के द्वारा हिंदुस्तान के विविध क्षेत्रों में कई जगह पर मनाया जा रहा है, इनके ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य मना रहे हैं। लेकिन हम लोग विशेष रूप से जो मूल संस्था है उसके क्या कर्तव्य है उसका निर्वहन करने के लिए राकेश जी के उद्देश्य और मुकेश जी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और वुमेन राइट्स का प्रोग्राम है, हर साल आता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ से चेंबूर से लेके मुलुम तक मैं प्रेसिडेंट हूँ वुमेन राइट्स का और एक एक्टर हूँ। हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, राकेश पांडे जी इस प्रोग्राम में मैं हाजिर होता हूँ। बहुत अच्छा लगा आकर, काफ़ी ऑडियंस अच्छी थी और अच्छा प्रोग्राम था, और थैंक्स बोलूँगा मीडिया का, जो मीडिया ने इतना कवरेज दिया। आप क्या कहना चाहते हो सर? देखिए, प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो हम लोग 16 साल से ये मीटिंग कर रहे हैं। मैं इसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ मुंबई हूँ और 16 साल से बहुत कम लोगों से हम लोगों ने शुरुआत किया था और जब आज बहुत विराट लोग आते हैं कि जगह नहीं रहती है, हाउसफुल हो जाता है। तो आप लोगों की दुआओं से आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और लोगों को काफ़ी पसंद आया। किस तरह का डिस्कशन होता है, इसमें क्या बातें रखी जाती हैं? हमारे यहाँ पर्यावरण के ऊपर बातें होती हैं कि पर्यावरण कैसे स्वच्छ रखा जाए, इसके ऊपर हम लोग मीटिंग करते हैं। और कुछ कहना चाहिए आज के? बस अंदर और सब अच्छा होगा, आप लोगों की दुआएं हैं। ठीक है जी, आज पहुँचे हैं राकेश जी के इवेंट में, हर साल आते हैं आप? देखिए, प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट्स जो है, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक ऐसी संस्था है जो सर्वधर्म सम्मान है। मतलब इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोई जात पात नहीं है और सबके राइट्स का जो अनुभव है, मतलब जिन जिन लोगों को पता नहीं है कि हमारे क्या राइट्स हैं, कैसे हमको मिलने चाहिए, क्योंकि हर आदमी तो सरकार तक पहुंच नहीं सकता है और हर आदमी पुलिस स्टेशन या वकीलों की तरफ पहुंच नहीं सकता है। तो अगर उनकी जो पर्सनल जो भी ज़रूरतें होती है या जो उनके राइट्स हैं उनका उनको कैसे मालूमात हो, उसके लिए ये जो फाउंडेशन बना है। और आज ये फाउंडेशन से मैं भी 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ करीबन, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इनके ज़रिए मैंने भी कई लोगों की मदद करवाई है और मैं भी कर रहा हूँ। तो मतलब ये इस तरीके से फाउंडेशन ही है, एक तरीके से हमारा परिवार है और इस परिवार से जो भी जुड़ता है उसको कहीं ना कहीं हर प्रकार का प्यार और मोहब्बत, दुआएँ और मदद मिलती रहती है। राकेश जी, आप क्या कहना चाहोगे आज के शो के बारे में जो आप इकट्ठे हुए सब? मैं कहना चाहूँगा कि 10 दिसंबर जो है, अथवा साइलेंट हो जाएंगे प्लीज़ जरा। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम लोग सारे देश तो मनाते हैं, लेकिन मानव अधिकार की हमारे राइट्स क्या हैं, इससे लोगों को अवेयर कराने के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। क्योंकि कभी कभी इस भागती दौड़ती दुनिया के अंदर अपने अपने कामों में हम इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने ही हक की लड़ाई के बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। कई छोटी सी छोटी हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी जो व्यक्ति पैदा होता है वो सुप्रीम पावर रखता है, उसकी पावर राष्ट्रपति से भी बड़ी होती है, उसको इतने अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन वो फिर भी जो है अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाता। कई छोटे छोटे विषयों को ले लेंगे आप तो, चाहे रोजगार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, न्याय का मामला हो। तो आज अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाए और अपने हक को कैसे प्राप्त किया जाए इसकी, और दूसरा कि ये अवेयर कराया जाए कि अगर आप इंसान हो तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। एक जानवर होता है जिसको अपने अधिकार पता नहीं होते हैं, अगर आप इंसान के रूप में पैदा हुए हो और बिना अपने अधिकार को जाने पैदा हुए हो तो हम जानवर के समान हैं। तो हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं मानव के लिए और उनके अधिकारों को बताने के लिए। और आज इस प्रोग्राम के अंतर्गत काफ़ी सारे लोग जो है आए थे इस प्रोग्राम के अंदर, जैसे दिलीप सेन जी हमारे संस्था से भी जुड़े हुए, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर अनीता जी जो आपके बगल में बैठी हुई हैं, साथ में चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भाई मुकेश पांडे जी लोक जनशक्ति पार्टी से, और बहुत गणमान्य हस्तियाँ इसके अंदर जो है अभिजीत राणे जी है, अली भाई जी, अली खान जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और बहुत सारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री जी। मेरा नाम अनीता राजभगर और मैं एज एन एक्टर काम करती हूँ और अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक NGO भी ओपन की है जिसका नाम है निस्वार्थ सेवा संस्थान। मैं राकेश जी का बहुत अपने तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और मुझे लगता है कि मानव अधिकार दिवस मैंने अपने स्कूल कॉलेज इस टाइम पे पढ़ा होगा, उसके बाद फिर अपनी डेली लाइफ में मैं ये सारी चीज़ें भूल चुकी थी। आज उन्होंने मुझे दोबारा से वो याद दिलाया है और इतने सारे लोगों ने इसके बारे में बोला और इतना अच्छा बोला कि मुझे खुद को सोचने पे मजबूर किया कि हाँ, एक्चुअली क्या मैं खुद अपने मानव अधिकारों से, मतलब क्या डू आई रियली नो दैम कि हैं कि क्या है। हमें लगता है कि बस हम जी रहे हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, बट क्या हम एक सही सिटीज़न बन पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे खुद सोचने पे विमर्श किया गया है और इस बात पे मैं खुद विचार करूँगी कि मैं अपने मानव अधिकारों का किस तरीके से प्रयोग कर सकती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी सी खामोशी। बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा न सोज़े दिल हूँ न दर्दे निहा हूँ। अरे लफ्ज़ों में मुझे कहाँ ढूंढते हो लोगों, मैं तो चेहरे पर लिखी हुई दास्ता हूँ। वेल फ्रेंड्स, टुडे एट दिस वेन्यू, on this very day, at this very spur of the moment, I It gives me immense pleasure, of course, coupled with honor and pride, to be a part of this organization, to be a part of this event, wherein I am felicitated and privileged honor to receive this coveted award. And I must say that this makes me more responsible, more answerable to the masses, to the audience, to the जनता. और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस फंक्शन के, इस तकरीब के मुनक़िद करदा तमाम मुंतज़मीन का, बिलखुसूस राकेश पांडे साहब का, हमारे नसीम भाई का, नसीम खान साहब का, जिनकी पुरजोर कोशिशों का नतीजा रहा है कि आज हम सब आपके सामने हाजिर हैं. बस इतना ही कहना चाहूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन से कि बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से. जी हाँ दोस्तों, बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से. जाहिद अली गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना आए. शुक्रिया. एक गैर सरकारी संस्था है जो माननीय राकेश पांडे, जो भोजपुरी और गुजराती फिल्मों के अभिनेता हैं और लगभग 30 से भी ज़्यादा भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम कर चुके हैं. गुजरात में उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. गुजरात का रूरल एरिया और अर्बन एरिया में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. पिछले 17 सालों से ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के रूप में गैर सरकारी संस्था के रूप में काम कर रहे हैं. मानव अधिकार की रक्षा के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों की तरफ से विविध संगठनों का निर्माण किया गया है. सरकारी संस्थाओं की मदद के लिए अन्य गैर सरकारी संस्थानों का भी संचालन ऐसे संस्थाओं के द्वारा किया जाता है और लगभग तमाम क्षेत्रों में राकेश पांडे जी ने फिल्म अभिनेता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है. समाज के सर्वांगीण विकास के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं. कभी भी कहीं भी किसी को भी कुछ ज़रूरत होती है, दो लोगों को आपस में मिलाने का काम करते रहते हैं. इस संस्था के द्वारा मानव में जागृति लाने के लिए प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना को डेवलप करने के लिए ये संस्था द्वारा हमेशा प्रगतिशील रहा गया है. बड़े भाई श्री मुकेश पांडे जो एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, श्री उसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है और ये कन्वीनर भी हैं, पैटर्न भी हैं और उनके निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम श्री राकेश पांडे जी द्वारा किया जाता है. समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं. हर वर्ष देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न जगहों पर मानव अधिकारों के प्रचार प्रसार और शिक्षित करने के लिए इस तरह की गोष्ठी का आयोजन किया जाता है. आशा है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे और लोगों में जागृति पैदा करने के लिए श्री राकेश पांडे और मुकेश पांडे जी हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे. धन्यवाद. फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का प्रोग्राम हम लोग, ये सेमिनार हम लोग 16 साल से कर रहे हैं और इसका मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ मुंबई हूँ और हम लोग बहुत कम लोगों से स्टार्ट किया था. आज इतना विराट लोग आते हैं कि जगह नहीं रहती है. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है और इंडिया के कई प्रदेशों से लोग इसमें जुड़ते हैं और प्रोग्राम को सफल करते हैं. सभी लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा. धन्यवाद. वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पे आपको अवार्ड से सम्मान भी किया गया और इसके मेंबर भी. कैसा लगा? बहुत 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 अच्छा लग रहा है. इतनी रिस्पेक्ट मिली है हमें. इस चीज़ के हम शुक्रगुजार हैं इस फेडरेशन के कि हमें इतनी रिस्पेक्ट से इतना अवार्ड अच्छा दिया है. बस हमेशा हमें अच्छे काम करना चाहिए और लोगों के काम आना चाहिए. देखते रहिए अपने आसपास जितने भी लोग हो, क्या पता किसको हमारी कब ज़रूरत हो और वो बता ना पाए, तो इसलिए खुद अप्रोच करिए लोगों को. उनको अच्छा काम करने, उनकी दुआएं लिए, उनके साथ अच्छा काम करिए और उनकी दुआएं लिए ये लीजिए. यही हमारा कर्तव्य है और इसी के लिए आज हम सबको इस चीज़ का अवार्ड मिला है. जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि विमेंस के जैसे आजकल लोग आगे नहीं ला रहे हैं. आजकल औरतों को आगे आना चाहिए और हमें इस फेडरेशन से जुड़ के मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि हम खुद चाहते हैं कि औरतों को सम्मान मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा उनको आगे लाया जा रहा है. तो जो ज़रूरत है वो यहाँ पर है, इसीलिए हमें यहाँ पे बहुत इज़्ज़त मिली है और हम चाहते हैं कि हर औरत को इज़्ज़त मिलना चाहिए. प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, चूँकि आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है, उस मौके पे हमारी संस्था ने पूरे 14 साल कंप्लीट किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पांडे जी और वाइस प्रेसिडेंट है मुकेश पांडे जी, मुंबई प्रेसिडेंट हूँ अली खान यानी मैं। आप सब ने मुझे फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, लाइक खुदा गवाह, सर फरोश, कोहराम, मातुजे सलाम, इंडियन, अली बाबा, 40 चोर और अभी रिलीज हुई थी गदर 2। तो आज ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली हुआ। हमारे बहुत सम्मानित लोग राकेश पांडे जी को, अपनी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स जो है उसकी आप सब लोग हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें और आस पड़ोस की मदद करें, यहाँ से शुरुआत करें। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं हो सकता। तो बस इसी तरीके से हम लोग एक 14 से 15 साल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं, पूरे लोगों की हेल्प करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। मैं वैसे कई संस्था में हूँ, कैंसर डिपार्टमेंट में भी हूँ। तो बस इसी तरीके से आज के लिए ऑल द बेस्ट। मीडिया का थैंक यू सो मच, जितने भी लोग हैं उन सबका शुक्रिया। लो फयाज का ले लो, अली भाई आपका नंबर दीजिए, मैं आपको करता हूँ। दिलीप भाई इस पर आइए, तो भैया सर इस पर आइए। मैं चाहूँगा ये प्रोग्राम हर साल होता है। आज राकेश जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और पापा भी इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट है, इस संस्था के प्रेसिडेंट है, तो मैं ये सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। 95 603। देखिए मैं शूटिंग कर रहा था, आज ही मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे और सुबह मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ राकेश पांडे जी के बुलाने पर। पापा भी इस प्रोग्राम से बहुत जुड़े हुए हैं। ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स का जो आज दिन है, प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया है। राकेश पांडे जी ने, मैं उनको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ और अपने सारे मीडिया कर्मियों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस वाले मेरे दोस्त आए हुए हैं, आज के दिन यहाँ पर पहुँचे हैं, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो ये दिन। चूँकि ये दिन जो है बहुत ज़रूरी है, हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए, हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए, वरना जिंदा तो हर कोई है पर जीना भी किसी का नाम है, जिसे अपने अधिकार पता होना चाहिए। राइट। नवाब अली खान, हैप्पी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। हैप्पी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे आप सभी को। आप बोलिए। फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स महाराष्ट्र में और गुजरात में, बाकी जगहों में भी बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं इस संस्था से भी जुड़ा हूं फिलहाल राकेश पांडे जी और मुकेश पांडे जी के थ्रू। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और यहां पर सब लोगों ने यही बताया कि भाई हमें अपने राइट्स के लिए खुद पता रहना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं। संविधान में तो फंडामेंटल राइट्स पब्लिक को दिए गए हैं, पर जब इसका वायलेशन होता है उनको पता होता है या नहीं होता है, उनको पता रखना चाहिए कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। इसलिए लोगों को मैं सलाह दूंगा कि वो संविधान पढ़ें और जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको समझाएं कि भाई आपके ये फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो ये जब सबको पता रहेगा तो सरकार में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो उनको हेल्प करने के लिए आगे आती हैं। हमारे यहाँ संविधान में इसका प्रोविज़न है कि जहाँ भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है उसके लिए कानूनी प्रावधान है। तो हम सारे लोगों को उसके लिए, सबके लिए उनको हेल्प करना चाहिए। जो लीगली लुमिनरीज हैं, एडवोकेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इन बातों को आगे रख सकते हैं ताकि लोगों का फंडामेंटल राइट्स और उनका जो राइट है ह्यूमन राइट्स वो ख़त्म ना हो। थैंक यू वेरी मच। खत्म हो गया, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हेलो, अरे अरे अरे, हेलो, अरे 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 अरे। देखिए ये अवार्ड एक तरीके की शक्ति है इंसान के लिए, और जब भी ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का जब होता है संसद, तो मैं एक संगठन का एक सदस्य हूँ और सदस्य होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आऊँ, जो भी मेरे लायक काम होता है मैं वो काम के लिए तैयार रहता हूँ। नमस्कार, जय महाकाल। शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं हमेशा आई हूँ और यही मैं बताना चाहूँगी कि अपना हक अपने आप में रहना चाहिए। और मैंने गए साल जो बोली थी किन्नर के लिए काम करूँगी, तो ये इसी साल से हमारा प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, तो हो सके तो उससे जुड़िए। और जो भी किसी की समस्या है तो हमारे से जुड़ सकते हैं और हमारे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सभी को हैप्पी ह्यूमन राइट्स डे। पता है लेकिन सबको वह सहूलियत नहीं मिलती है। मैं यहाँ मंच से यही आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि अगर हमारी भारत सरकार सुन रही है तो देश में करोड़ों लोग इंडियन रेलवे के सिस्टम से परेशान हैं। लोग रिजर्वेशन करते हैं लेकिन उनको सीट नहीं मिलती है, वेटिंग में वो धक्के खा के जाते हैं, जिसकी वजह से सबके पैसा देने के बाद उनको उनका राइट्स नहीं मिलता है, उनको सीट नहीं मिलती है। प्लीज़ सब लोग जागरूक हों, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और देश को इस ह्यूमन राइट्स के अधिकार के बारे में जागरूक करें। धन्यवाद।